दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की तरफ से कितने पैसे मिलते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अहम लिस्ट का किया ऐलान, दो नए खिलाड़ी को मिली जगह। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2023-24 सीजन के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। इसमें कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल है। वही टॉड मर्फी और लॉन्स मोरिस को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली है। मर्फी ने हाल ही में भारत दौरे पर अपना डेब्यू किया था और बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इसी वजह से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मोरिस की अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने अपना डेब्यू नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और इंग्लैंड में 5 मैचों की ऐसे सीरीज भी खेलनी है, इसी वजह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल 24 खिलाड़ी शामिल है, जिसमें पेट कमिंग्स, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टॉक, ग्लेन मैक्सवेल, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर और कैमरन ग्रीन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल है। नेशनल सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगले 6 से 12 महीने काफी ज्यादा क्रिकेट खेले जाने वाला है, तब टीम में कितनी गहराई है इसका पता चल सकेगा। विंटर के दौरान 6 टेस्ट मुकाबले हमें खेलने हैं और इसके अलावा वर्ल्ड कप भी खेलने हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में लेग स्पिनर मिचेल स्वेपनर को शामिल नहीं किया गया। वो टीम में नाथन लायन के बाद नंबर 2 स्पिनर थे, लेकिन अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह नहीं मिली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया काफी चौंकाने वाला फैसला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किए गए खिलाड़ी इस प्रकार है: पेट कमिंग्स, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टॉक, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम जंपा, कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जोस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोस इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नेस लबुसेन, नाथन लायन, मिचेल मास, ग्लेन मैक्सवेल, लॉन्स मोरिस, टॉड मर्फी, माइकल नीसर, छाय रिचर्डसन, सीन एबोट और एस्टन टर्नर। और इन्हें कितने रुपए मिलेंगे और कितने रुपए कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाएंगे, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि और जानकारी नहीं दी गई है।